आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी वीडियो में स्वागत है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यों पर जो मानदेय है वह अब कितना रहेगा, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को अधिक कर दिया गया है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। बहनों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर किए गए कार्यों पर मानदेय, अतिरिक्त मानदेय एवं कार्य आधारित मानदेय प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति माह रुपये 7500 की धनराशि प्रदान की जा रही है। अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं बहनों कि प्रोत्साहन राशि के तौर पे मात्र 7500 रुपये की जो धनराशि है वह आंगनबाड़ी बहनों को मिल रही है, लेकिन अगर श्रम विभाग के अनुसार कुशल मजदूर की एक माह 8 घंटे की मजदूरी देखा जाए तो 12,661 रुपये तय की गई है। जी हाँ, मतलब कि 8 घंटा एक मजदूर कार्य करता है तो एक महीने की उसकी जो मजदूरी है वह 12,661 रुपये तय की गई है, जबकि आंगनबाड़ी बहनों को मात्र 7,500 रुपये की रेशियो में पैसा मिलता है। तो कुशल मजदूर के 4 घंटे के कार्य के आकलन के अनुसार 6,330 रुपये होता है। अतः इस अल्प अवधि 4 घंटे के कार्य हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को न्यूनतम मजदूरी से अधिक मानदेय दिया जा रहा है। यहाँ पे सरकार का कहना है, सरकार का यह कहना है कि 4 घंटे के काम के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी से अधिक मानदेय दिया जा रहा है। अतः श्रम विभाग द्वारा जारी चार्ट के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को अंशकालिक कार्य की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से कम नहीं है। मतलब कि सरकार को मानदेय एक तो बढ़ाना नहीं है, बहनों की मांगों को पूरा करना नहीं है, ऊपर से कह रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मजदूरी है वह न्यूनतम मजदूरी से और जो कुशल मजदूरी है उससे ज़्यादा है। मतलब जो श्रम विभाग हैं उसके चार्ट के अनुसार आंगनबाड़ी बहनों को कुशल मजदूरों से ज़्यादा का पैसा मिल रहा है। आंगनबाड़ी बहनें बिना मतलब का आंदोलन कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर बहनों आप देख भी सकती हैं कि कह रहे हैं कि आधे घंटे 4 घंटे का 6,330 रुपये अगर हम मजदूरों को देते हैं तो 4 घंटे का काम आंगनबाड़ी बहनें करती हैं जिनको हम 7500 रुपये देते हैं। तो हम आपको बता दें कि 4 घंटे का जो काम है सिर्फ आंगनबाड़ी में, जिसमें बच्चों को साला पूर्व शिक्षा देना और उनके खेल गतिविधियाँ करवाना, नाश्ता खाना, भोजन बांटना, सिर्फ इतना ही है। लेकिन अगर इन 4 घंटों को हम हटा दें तो इसके अलावा रजिस्टर भरना, वजन करना, पंजीयन करना इत्यादि जितने काम है यह सब मिला के तो बहनें 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक का काम करती हैं। पोषण ट्रैकर में भी सभी प्रकार की गतिविधियां, संपर्क कैंप में 11 के 11 रजिस्टर मेंटेन करना, केंद्र की साफ सफाई, समय से आना जाना, मीटिंग को अटेंड करना इत्यादि जो काम है बहनों के, उसके तहत तो बहनों को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर कुशल मजदूर के आंकड़े देखे जाएं तो सरकार यह कह रही है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा मजदूरी दे रहे हैं, ज़्यादा मानदेय दे रहे हैं, उनके अपेक्षा हमारे मजदूरों की ही सैलरी कम है। अब यहाँ पे बहनों आप देख सकते हैं कि मानदेय के कार्यरत वर्करों के मानदेय सेवा शर्तों पर सचिव वीना कुमारी ने कहा है कि वर्तमान समय में आंगनबाड़ी वर्करों को दिया जा रहा मानदेय श्रम विभाग द्वारा तय किए गए मानदेय से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय है श्रम विभाग द्वारा तय किए गए नियमों से भी अधिक दिया जा रहा है। अर्थात सरकार की जो मंशा है कि शायद मानदेय न बढ़ाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी वर्करों को दिए जाना मानदेय भारत सरकार और अलग अलग राज्यों में रेशियो पर निर्भर होता है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मध्य 60-40 का रेशियो है, जिसमें 60% व्यय भारत सरकार द्वारा एवं शेष 40% व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो वहीं पे बहनों अगर हम आगे देखें
कि केंद्र सरकार आंगनवाड़ी वर्करों को तीन श्रेणी में भुगतान करती है, जिसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में हमको पता है, तीसरा किस श्रेणी से भुगतान करती है इसके बारे में कोई भी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दिया जा रहा है। बहनों, इस चीज़ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इतनी मजदूरी, क्या इतना मानदेय आपके लिए अधिक है, क्योंकि इतने कम मानदेय को भी सरकार कह रही है कि हम जितना कुशल मजदूर का रेट है उससे हम ज़्यादा जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों को भुगतान कर रहे हैं। बहनों, अब आपको हम यहाँ पर एक और आदेश या आप लेटर बोल सकती हैं, जिसको हम दिखाएंगे कि सहायिका और सेविकाओं का जो पांच सूत्री मांग का समर्थन है उसके विषय में बारे में कैसा लेटर जारी हुआ है। आप देख सकती हैं, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना द्वारा माननीय लेसी सिंह मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार, विषय जो है कि हड़तालरत सेविका सहायिकाओं के पांच सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार को पत्राचार करने के संबंध में, मतलब कि इस टाइम पे बिहार में सेविका और सहायिकाओं के पांच सूत्री मांगों को लेकर जो है कि हड़ताल चल रही है और उसके समर्थन में यह लेटर जारी हुआ है। इसमें लिखा भी है कि महोदय, उपयुक्त विषयक कहना है कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालय अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका समाज में गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी गुजर बसर करने वाले परिवारों के बच्चों के शिक्षा से पूर्व की शिक्षा देने, उनसे कुपोषण की मुक्ति दिलाने के कार्य में लगी रहती हैं। इस काम के में समय में मात्र 4 घंटा निर्धारित है, परंतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न तरह के कार्यों में इन्हें लगाया जाता है, जो 8 घंटे भी पूरा नहीं होता, 8 घंटे में भी पूरा नहीं होता। टीकाकरण, पल्स पोलियो, विटामिन ए, मलेरिया, फाइलेरिया, परिवार नियोजन आदि रोग ग्रसित लोगों को बार बार चिकित्सा लाभ मुहैया कराना, स्वास्थ्य बीमा, जनगणना, पेंशन, चुनाव कार्य, शौचालय निर्माण कार्य, कन्या सुरक्षा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के तनवर्जन कार्य जो है कि प्राथमिक विद्यालय में नामांकन हो बढ़ाने का कार्य, समाज में जागरूकता पैदा करने का कार्य, यानी कि सरकार की सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के कार्य में सेविका सहायिका को ही लगाया जाता है। अब तो सभी काम डिजिटल करना पड़ रहा है, जबकि प्रारंभिक दौर में शिक्षा को उम्र को नज़रअंदाज कर बहाली की गई थी, फिर भी यह जो है कि ममता मई महिला कर्मी महज 6,000 की न्यूनतम मजदूरी में काम कर रही हैं। तो यहाँ पे बहनों, तो हमने आपको गिना ही दिया कि कितना जो है कि कार्य आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा किया जाता है। इसके बावजूद सरकार को यह लगता है कि आंगनबाड़ी बहनें मात्र 4 घंटा ही काम करती हैं और उनको इस हिसाब से मजदूरी ज़्यादा मिल रही है। तो बहनों, आप लोग कमेंट करके यह चीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो मेरी तरफ से कहना है कि मानदेय 25,000 होना चाहिए कम से कम, और सेविका बहनों का 12,000 से 13,000 का मानदेय शुरुआत में होना चाहिए। तो बहनों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि मानदेय आप बहनों आप लोगों का कितना होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप, सब जगह पे शेयर कर दीजिएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ हम मिलेंगे बहनों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।